अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अली, ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इमारात में मुलाज़मीन को ईद उल फितर पर लंबी छुट्टियां मिलने का इम्कान है। जी हाँ, सरकारी और निजी शोबों के लिए ऐलान करदा तबतीलात के तहत रिहायशियों को 29 रमज़ान से 3 शवाल तक छुट्टी मिलेगी। इन दिनों में वीकेंड के शामिल होने से छुट्टियों का दौरानिया बढ़ जाएगा। हाँ, ये कन्फर्म है। अब आप सवाल ये है कि बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को चांद देखने वाली कमेटी का इजलास 10 मार्च को मुतवक्के है। अगर चांद नज़र आया तो 11 मार्च को रमज़ान मुबारक का पहला दिन होगा, और अगर नहीं तो 12 मार्च महीने के आगाज़ की तारीख बनती है। और अगर फलकियाती हिसाब के तहत मुकद्दस महीना 30 दिन तक जारी रहता है तो 30 रमज़ान का दिन बरोज़ बुध 10 अप्रैल को आने आएगा। मालूम हुआ कि मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की तरफ से सरकारी और निजी शोबों के लिए ऐलान करदा तातीलात की फहरिस्त के तहत रिहायशियों को ईद उल फितर मनाने के लिए 29 रमज़ान से 3 शवाल तक छुट्टी मिलेगी। अगर फलकियाती माहरीन के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए तो मंगल 9 अप्रैल 29 रमज़ान से अब तक 13 अप्रैल शवाल 3 तक तातीलात बनती है, और अगर इतवार को वीकेंड भी शामिल हो जाए तो ये 6 दिन का वक्फा है। बताया जा रहा है कि फलकियात हिसाबात का इस्तेमाल ने चांद की पैदाइश का अंदाज़ा लगाने और ये पेशगोई करने के लिए किया जाता है कि इसे किसी खास मकाम पर कब नज़र आने का इम्कान है। ये अंदाजे मनसूबा बंदी में मदद कर सकते हैं, लेकिन मजहबी त्योहारों के लिए चांद को देखने को अक्सर तरजीह दी जाती है। कुछ ममालिक रमज़ान के आगाज़ का तयन करने के लिए फलकियाती अंदाज़ों को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं दोस्तों, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहाँ खुली आँख से चांद का नज़र आना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दुआओं में ज़रूर याद करें। रमज़ान आपको मुबारक हो और छुट्टियाँ भी। थैंक यू वेरी वेरी मच।